हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ के लिए एसे का सेशन है, जिसमें आज हम लोग टेररिज्म जो अपना एसे का टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का पहला चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए चैनल का, क्योंकि नया है तो आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा, फिर से इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग एसेज को बिल्कुल लिखने से पहले तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे वाले में हम लोग बॉडी देते हैं, और तीसरे वाले में कंक्लूजन देते हैं। और बॉडी वाले पार्ट को दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग, पहला और दूसरा। पहले वाले भाग में हम लोग जो दो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हिस्ट्री को लिखते हैं, और बाकी के दूसरे का तीन पार्ट जो होता है इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को डालते हैं। ये अपना बेसिक स्ट्रेटजी है, ये जो एसेज लिखने का तरीका है उसके लिए। तो पहले चलते हैं हम लोग कि ये जो टेररिज्म है, ये जो आतंकवाद है, ये कहा किसको जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि हिंसा द्वारा, ठीक है, हिंसा द्वारा जनमानस में भय और आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। काफी सिंपल भाषा में पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग जब भी सीएपीएफ एसी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे एसे लिख रहे हैं तो इसमें जितना हो सकेगा हम लोग साधारण भाषा का यूज करेंगे। ठीक है, साधारण भाषा का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग सेना में जा रहे हैं, वहां पे डिफिकल्ट चीज की जरूरत नहीं है। वहां पे जितने आसान तरीके से हम अपने बात को रख पाएंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने आसान भाषा में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हमको उतना ही अच्छा नंबर आएगा, आपको उतना ही अच्छा नंबर आएगा। तो इसलिए जितना आसान भाषा में हम इसको रखें उतना ही बढ़िया है। तो अगर हम ऐसे समझे कि हिंसा, हिंसा का मतलब होता है मारपीट, दंगा, आप ऐसे समझ लीजिए किसी को मार देना, तो ये आपका हिंसा आ जाता है। तो हिंसा के द्वारा जनमानस, मतलब पूरे जनमानस, मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको आप लोगों में, ठीक है, पूरे जनमानस में भय, भय का मतलब फियर हो गया, और आतंक मतलब टेरर हो गया। तो आतंक जब किसी के अंदर पैदा कर देते हैं हम हिंसा के द्वारा, इसके लिए मेरा एक उद्देश्य होगा, तभी हम इसको पूरा आतंकवाद बोल सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से इसको आतंकवाद तब बोलेंगे। सपोज दैट किसी एक आतंकवादी, ठीक है, एक आतंकवादी जो इंडिया में पैक है, इंडिया में उसको लॉक करके रखा गया हुआ है, वो ग्रिल्ड है इंडिया में, कुछ आतंकवादी समूह आएंगे और एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लेंगे। हाईजैक करेंगे तो उनका एक उद्देश्य होगा कि हमको अपना जो मेरा आतंकवादी है उसको, आप जो मेरा मित्र है उसको दीजिए, तभी हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो उसका एक उद्देश्य हो गया है अपना, तभी वो आतंकवाद को फैला रहा है। तो आतंकवाद होने के लिए जनमानस में भय और आतंक पैदा करना तो होता ही है, लेकिन उसके लिए किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का एक अपना उद्देश्य होता है, तभी वो आतंकवाद कहा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि आतंकवाद कहते किसको है। तो अब आ जाते हैं कि आतंकवाद जो होगा उसका एक उद्देश्य होगा, तो किस किस तरीके का उद्देश्य होगा। तो वो जो उद्देश्य होगा वो राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, और आर्थिक भी हो सकता है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका में एक लिट्टे था, ठीक है, श्रीलंका जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, तो वो लिट्टे संगठन और अफगानिस्तान का तालिबान जो है, ये सारे राजनीतिक संगठन है। इसका राजनीतिक उद्देश्य है कि हम पूरे तरीके से किसी दूसरे देश पे जाकर के अपना कब्जा कर ले। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो अलगाववादी था, जिसके ऊपर अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन ली और सारे लोगों को ग्रिल किया गया, यहाँ पे जेल के भीतर डाला गया हुआ था, और अलगाववादी लोगों का वहां पे खेल अब खत्म हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में, जब से यूनियन टेरिटरीज के रूप में हुआ, 370 हटा और 35A हटा उसके बाद से। तो यहाँ पे उसका भी जो उद्देश्य था वो राजनीतिक ही था, जम्मू एंड कश्मीर का आतंक जो अलगाववादी था, प्लस ये जो अलकायदा, लश्कर ए तैयबा जैसे मुहम्मद लोग जो आतंकवादी समूह है, इसका उद्देश्य जो है वो धार्मिक है। तो अगर हम देखें तो ये जो आतंकवाद है उसके लिए एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य जो होगा वो राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, और आर्थिक भी हो सकता है। तो ये सारे उद्देश्य यहाँ पर है, जिसका आपको एक एग्जाम्पल दिया गया। तो इसके साथ ही अगर आप देखिएगा तो आतंकवाद तो ये क्लियर है कि इसका एक अपना जो उद्देश्य होता है वो तो होता ही है,
लेकिन कभी कभी एक ऐसा क्रांति उत्पन्न होता है, ठीक है, जो गैर राजनीतिक होता है, और वो गैर राजनीतिक जो क्रांति होता है वो नक्सलवाद के रूप में सामने आ जाता है। मतलब एक क्रांति जो होती है वो जयप्रकाश नारायण वाली क्रांति नहीं है, वो गैर राजनीतिक क्रांति है जिसका उद्देश्य राजनीति से हटके होता है, और वो जो रूप ले लेता है वो नक्सलवाद का रूप ले लेता है। तो ये भी एक तरीके से समझिए तो किसी भी देश के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है वो नक्सलवादी, नक्सलाइट भी। ये चीज भी यहाँ पे कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग इसके कल ये बॉडीज के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो पूरा जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी देश हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसे देश है जो आतंकवाद की चपेट में नहीं है, नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो आतंकवाद से थोड़ा ज्यादा ग्रसित है। आतंकवाद से इंडिया इसलिए ग्रसित है क्योंकि इसके जो पड़ोसी देश है वो ही इसके लिए आतंकवाद पैदा करते हैं। पड़ोसी देश में आप पाकिस्तान को समझ लीजिए और चाइना को समझ लीजिए आप, कुछ समय पहले तक अमेरिका भी इंडिया के लिए आतंकवाद संगठन को भेजता था जब इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशन अच्छा नहीं था तो। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशन काफी बढ़िया हो चुका है तो अभी कॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन पहले तक इंटेंशन अमेरिका का इंडिया के लिए सही नहीं था, तो ये भी क्लियर है। तो इसके जो पड़ोसी देश है वो भी कहीं ना कहीं से इंडिया के लिए जो है आतंकवाद को भेजते हैं। पाकिस्तान का हाथ इसमें बहुत ज्यादा रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर इंडिया के लिए हम देखें तो आतंकवाद, इंडिया सबसे ज्यादा अगर ग्रसित कोई देश है तो इंडिया ही है, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं कि बैक टू बैक इंडिया के ऊपर हमले हुए हैं आतंकवाद के थ्रू। जैसे 2001 में संसद पे हमला हो गया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चल रहा था, उसमें बम विस्फोट कर दिया गया आतंकवादी समूह के द्वारा। मुंबई में 26/11 हमला हो जाता है, ठीक है, वो हमला 173 लोग के लमसम यहाँ पे मारे जाते हैं, काफी भयंकर सिचुएशन होता है उस वक्त के लिए। रिसेंट में पठानकोट हमला आप देख सकते हैं जो आपका या ये भारत के सेना के तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया हुआ था। अभी पुलवामा अटैक आप देख सकते हैं, पुलवामा में पूरे बस को उड़ा दिया गया, वहां पे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो इंडिया पूरे तरीके से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन स्टेप भी इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पड़ोसी देश, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप ऐसे देखें तो ये जो पूरा बॉर्डर है इसको चारों तरफ से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको कवर करके रखेंगे। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे नदियां बहती है, कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे पूरी तरीके से रेगिस्तान है। अभी आप जो देख रहे हैं चाइना के साथ जो हमारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, वहां पे आप देखिएगा पूरे तरीके से ये पहाड़ है, पूरे तरीके से यहाँ पे पहाड़ है। तो सारे चीज को हम पूरे तरीके से कवर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सेना अपने तरीके से पूरा काम करती है, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, हर एक सेना अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन फिर भी क्रॉस बॉर्डर जो होते हैं, जो बॉर्डर की तरफ दूसरे तरफ से जो भेजे जाते हैं आतंकवादी, उसमें पड़ोसी का बहुत ज्यादा हाथ होता है। तो इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो तालमेल इंडिया का बैठ रहा है, कुछ ही देश के साथ बढ़िया है, बाकी सारे देश इंडिया के लिए गलत इंटेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, जिसका कारण होता है कि 2001 में संसद पे हमला हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हो जाता है, पठानकोट पे अटैक हो जाता है, पुलवामा अटैक। ये सारे कहाँ से है? ये कहीं ना कहीं से हमारे पड़ोसी देश के ही कारामात होते हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका के ये जो जितने भी आतंकवादी हमारे हमला हुए हैं हमारे देश के ऊपर, इसमें पाकिस्तान के एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हाथ रहता है। और इसके साथ ही अमेरिका पहले क्या की थी कि सोवियत संघ मीन्स रूस को तबाह करने के लिए सीआईए के थ्रू एक अफगानिस्तान में ग्रुप का गठन किया था जिसको अलकायदा और तालिबान कहते हैं। और यही अलकायदा और तालिबान ने क्या किया था कि अमेरिका के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, तो अमेरिका के ऊपर अटैक किया, उसके बाद इसको समझ में आया कि ये आतंकवाद को फैलाने का मतलब क्या होता है। तो ये अलकायदा और तालिबान जो है ये भी इंडिया के लिए जो है वो क्रॉस टेररिज्म का काम करती है, ठीक है। तो ये सारे जो एक आतंकवादी ग्रुप है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आतंकवाद तो एक दूसरी बात है, इसके साथ ही भारत में नक्सलवाद, ठीक है, ये नक्सलवाद जो है ये भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहा है। क्योंकि पहले जो नक्सलवाद था, हालांकि नक्सलवाद का अपना एक अलग मोटो होता है,
वो चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, इसको लेकर के वो अपना एक गैर राजनीतिक संगठन बनाते हैं। कभी भी यहाँ पे जब आप लिखिएगा तो वहां पे गैर राजनीति का बात कीजिएगा, ठीक है। ये गैर राजनीतिक क्रांतिकारी होता है, इसके साथ ही गठन संगठन भी होता है जो आतंकवाद, जो नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये गैर राजनीतिक संगठन का गठन होता है और ये जो है वो भी इंडिया के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल बिहार उड़ीसा जैसे छोटे छोटे राज्यों में थे जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो नक्सलवाद है वो क्या करता है कि आतंकवाद की आड़ में आके नक्सलवाद भी कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं जो घातक सिद्ध होते हैं भारत के लिए, और अब ये नक्सलवाद जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो रहा है, पैदा कर रहा है इंडिया के लिए। परंतु अगर आप देखिएगा तो इंडिया जो है आतंकवाद के लिए वैश्विक लेवल पर जो है वो ग्लोबल लेवल पे समस्या का समाधान ढूंढा, प्लस इसके लिए क्वेश्चन भी रेज किए हैं वैश्विक लेवल पे जाकर के, ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसे जो विकसित देश है उसको ये सब बात तब समझ में आई जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो तब अमेरिका को ये समझ में आया और फिर वो इंडिया का साथ देना स्टार्ट किया। लेकिन पहले अमेरिका ये मानता था कि आतंकवाद है ही नहीं, ठीक है। पहले इंडिया ये मानता था, सॉरी इंडिया बोल रहे हैं, ये आपका अमेरिका ये मानता था कि आतंकवाद है ही नहीं। बाद में जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है तब उसको समझ में आता है कि रियल आतंकवाद होता क्या है, और फिर उसने जो है इंडिया का साथ देना स्टार्ट किया आतंकवाद के ऊपर। तो भारत वैश्विक लेवल पर जीरो टॉलरेंस, ठीक है, भारत वैश्विक लेवल पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। इसके लिए भारत क्या करता है कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो सीसीआईटी है, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर, इसके ऊपर इसकी एक मांग करता है। इसके मांग करने के बाद क्या होता है, इसमें होना क्या है कि जो सीसीआईटी होंगे, इसके जो देश होंगे, ये टेररिज्म जो ग्रुप है उसको अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे। तो इसकी मांग कर रहा था इंडिया, लेकिन इस पे सहमति नहीं बनी थी। अभी भी मांग किया जा रहा है। सुषमा स्वराज ने 2018 में इसकी मांग की थी। तो ये सारे चीज किए जा रहे हैं इंडिया के तरफ से वैश्विक लेवल पर। अगर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग देखें तो इंडिया ने बहुत काम किया है। इंडिया ने एनआईए का गठन किया है आफ्टर ये 26/11 आतंकवादी हमला जो हुआ था अमेरिका, ये अपने मुंबई में, ठीक है, ये मुंबई का 26/11 हमला हुआ था, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो इसको बोलते हैं हम लोग, नेट ग्रिड, इसका भी गठन किया गया हुआ है। ये क्या करती है कि जितने ये खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है, रॉ एनआईए की तरह, जो पता करती है कि कितने आतंकवादी ग्रुप हैं और उसका संगठन सरगना कहाँ कहाँ है, ये नेट ग्रेड काम करती है इस पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जो इंडिया के लिए काम कर रही है। और एसपीजी का गठन किया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, जो आतंकवाद के लिए, जीरो टॉलरेंस काउंटर टेररिज्म के लिए वर्क करती है। इसके साथ ही इंडिया ने अपने बॉर्डर को जितना हो सके उतना जो है सील करना है स्टार्ट किया, प्लस सेटेलाइट सेना को चुस्त दुरुस्त करना है स्टार्ट किया। हमारे पास सारे हेलीकॉप्टर है, अपाचे है, चिनुक है, हम लोग काउंटर टेररिज्म के लिए प्रैक्टिस करते हैं सेना के साथ, दोनों देशों के साथ, बहुत जो विकसित देश हैं उसके साथ हमारे क्या होते हैं कि युद्धाभ्यास चलते हैं। ये सारे हम लोगों को क्या करता है कि आतंकवाद के अगेंस्ट में काम करने के लिए हमको काफी हेल्प करता है। तो ये कुछ स्टेप है जो इंडिया के थ्रू से लिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बट अगर इसके कंक्लूजन के ऊपर जाए तो देखते हैं कि आतंकवाद जो है ये पूरे विश्व में फैल चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर पूरे विश्व इस पर जो है वो व्यापक रूप से राजनीतिक तरीके से इसके ऊपर अपना नहीं बनाता है, एक खाका नहीं तैयार करता है कि कैसे हम इसके ऊपर लड़ेंगे, तब तक ये पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है, वो इसके चपेट में रहेगा, ठीक है। तो इसका पूर्ण समाधान अगर हमको ढूंढना है तो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रयासों से ही हम लोग इसको संभव बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन है सारे को मिल करके इस पे वर्क करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको पूरे तरीके से इंडिया के साथ साथ वैश्विक लेवल से खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर हम लोग आतंकवाद के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो मिनिमम इतने चीज लिखने होते हैं हमको, क्योंकि हमको केवल 300 वर्ड में सारे चीज को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इसीलिए एक छोटा सा ऐसे आपको दिया जाता है यहाँ पे, और मिनिमम चीज जितना इसमें इंक्लूड करना चाहिए उतना इंक्लूड करके आपको दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपके पास करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा
करंट अफेयर्स पे आपके कमांड है तो इसमें करंट अफेयर्स को और ऐड कर सकते हैं आप, या आप और ज्यादा नंबर गेन करवाएंगे, लेकिन मिनिमम इतना चीज अगर आप लिखते हैं तभी आपको एग्जाम में नंबर आएंगे। और ये पूरे एसेज को लिख करके ही अब समझाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है हमारे फेसबुक पेज पे जो स्टडी स्प्रिंग के नाम से है, वहां पे कि आप पूरे एसेज को ही लिखिए, क्योंकि अनअकैडमी पे जितने भी मेरे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं वो सारे अब यहाँ पे हमारे फेसबुक चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर एक्टिव होने लगे हैं, तो उन लोगों के डिमांड के साथ ही हम काम करते हैं। तो ये एक था हम लोगों का एसेज सेशन जिसमें आज हम लोग आतंकवाद को कवर कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं आपके लिए उतना अच्छा वर्क करूंगा, क्योंकि इससे हमको केवल मोटिवेशन मिलता है, पैसे कमाने बाद की बात है। पैसे मैं अनअकैडमी से भी कमा सकता था लेकिन मैंने उसको अवॉइड कर दिया, मैंने उसको बॉयकॉट किया केवल आपके ऊपर कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए जो एक पेड कोर्स या फिर प्लस कोर्स में मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।